वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने जल्दी से उठ के शावर ले लिया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। तो पापा आ गए थे, पूछ रहे थे कि चाय बन रही है कि नहीं बन रही है। तो मैं बता रही कि मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज जो है मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने शावर ले लिया। मैंने बिल्कुल भी नॉर्मल टोपी लगाई है, स्वेटर पहन लिया है, बिल्कुल इसी तरह। मैंने कहा क्यों जल्दी उठ गई हूँ तो चाय बना देती हूँ सबके लिए, उसके बाद जो है पापड़ भी छान दूँगी चाय के साथ खाने के। एक्चुअली वो क्या था ना, आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी तो मैं ऐसे ही किचन में आ गई थी और मैं माचिस ढूंढ रही हूँ कि माचिस कहाँ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय पत्ती डाल रही हूँ। एक्चुअली भाई भी आ गया है लाइब्रेरी से पढ़ के, तो सिस्टर भी उठ चुकी है, वो भी जो है मंजन ब्रश कर रही है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो किस किस के घर में ऐसा होता है, एक्चुअली मैं चाय बहुत ही कम ही बनाती हूँ, एक्चुअली सिस्टर ही बनाती है। तो मैंने कहा आज मैं ही चाय बना देती हूँ सबके लिए। तो यह चीनी का डब्बा इतना ज़्यादा पापा ने टाइट बंद कर दिया था, मुझसे खुल ही नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर डाल दी। और सच माने ठंडी में अदरक डाल के चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। और सबको ऑफिस भी जाना था, भैया और पापा को, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी सबके लिए पहले चाय बना रही हूँ, उसके बाद ही मैं चम्मच पापड़ तलूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, साथ में रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो सरसों भी डाल सकते हैं, बट मैं जो पापड़ जो है हमारे क्या रिफाइंड ऑयल में ही तला जाता है, तो मैं उसी को थोड़े यहाँ पे मैं पलटे को पोंछ ले रही हूँ अच्छे से, ताकि जो है इसमें पानी ना रह जाए, नहीं तो छिट्टा आने लगता है तो अच्छा नहीं रहता। यहाँ पर मम्मी चावल लेके जा रही हैं धोने के लिए। मैं चावल पहले से ही बिन के रख दी थी ताकि ठंड में जो है सुबह दिक्कत ना हो। तो आप लोग भी ऐसे ही किया कीजिए, आप चावल एक दिन पहले ही धूप में बैठ के बिन के रख दिया कीजिए, ताकि सुबह उठ के चावल ना पीना पड़े। और मैं यहाँ पे रवे का पापड़ को तल लेंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ पापड़ बहुत जल्दी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग को पापड़ इतने ज़्यादा पसंद है, तो ये रवे वाला पापड़ ही बचा है घर में, बस और कुछ नहीं बचा है। और दो तीन साबूदाना के बचे हैं, तो हम लोग साबूदाना के पापड़ तो रेडीमेड ही लाते हैं। उसके बाद मम्मी पूछ रही है कि सब्जी वब्जी काट दी है, मैंने कहा मैंने सब्जी भी काट दी, मैंने खाने की पूरी तैयारी कर दी, बस मम्मी गई हैं चावल दाल सब कुछ धोने गई हैं। तो यहाँ पर मैं पापड़ को तल रही हूँ और वो भजन हो रहा है पीछे, तो मैं उसको गा रही हूँ। एक्चुअली जो है मैं भजन अगर इसमें वीडियो में डालती तो कॉपीराइट आ जाता, तो कॉपीराइट आ जाता तो पूरी वीडियो ख़राब हो जाती, तो इसलिए मैं जो है कॉपी वो वॉल्यूम को मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने गैस को ना, अब मैं यहाँ पे पोपली तल लूँ, जिसे हम लोग आप लोग हम लोग तो पोपली बोलते हैं, आप लोग उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली जो पीले पीला होता है बड़ा हो जाता है, पीले रंग का होता है, हम लोग उसे पोपली बोलते हैं, बहुत से लोग उसे चोंगला बोलते हैं। तो मैं बस वही तल रही हूँ, मेरे घर में ये चीज़ पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसी को तल रही हूँ। एक्चुअली जो है मैंने सोचा था कि कोई नाश्ता बनाऊँगी, पर मेरा जो है मैंने कहा लाओ पापड़ ही रखा हुआ है, पापड़ ही तल देती हूँ, नाश्ता तो बनाती रहती हूँ मैं। तो मैंने सोचा आज पापड़ ही तल के ख़त्म कर देते हैं, सुबह सुबह पापड़ खाने का भी अपने ही मज़ा होता है ठंड में। तो यहाँ पे मैं तल रही हूँ और देख चाय को भी मैंने थोड़ा सा धीमा कर दिया, ताकि पापड़ और चाय दोनों को बराबर हो, तो बराबर दे सकूँ, चाय भी पापड़ भी एक साथ दोनों तैयार हो जाए। तो तल ली, तो आप कमेंट करके बताइए किस किस के घर में अभी भी होली के पापड़ रखे हुए हैं। भाई हमारे के पापड़ नहीं बचते, और ख़ासकर आलू के पापड़ तो बहुत ही अच्छे थे, हम लोग व्रत वाले बनाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसमें सेना नमक डालते हैं, तो इसीलिए मैं जो है अब देखिए यहाँ पे मैंने साबूदाना के जो पापड़ होते हैं वो तले, एक्चुअली रेडीमेड हैं, हम लोग मार्केट से लेके आए थे, तीन ही बचे थे, मैंने तीनों को तल दिए हैं। अभी थोड़े पापड़ और रखे हैं, उनको धूप दिखा के तलूँगी। यहाँ पर मैं जो है मम्मी से बात कर रही हूँ, कुछ पूछ रही मम्मी, तो उन्हीं को बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए बातें बातें करते करते पापड़ भी अच्छे से तला गए। तो अब मैंने अब मैं यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। पापड़ तो ऑलमोस्ट तल गए थे और चाय भी सबको दे दी थी, तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि खा पी रहे थे सब लोग। उसके बाद यहाँ पे मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ साथ चावल को भी देख रही हूँ कि चावल का जो माड़ होता है वो ऊपर ना आए। एक्चुअली हमारे के चावल जो है ना भगोने में ही बनता है, कुकर में नहीं बनता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कुकर में बनाने से पथरी होती है, तो कुकर में कभी भी चावल नहीं बनाना चाहिए। आप लोग भी कुकर में चावल मत बनाया कीजिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कुकर में जो हम माड़ होता है उसका वो नहीं पसा पाते, बट भगोने में पसा सकते हैं। तो खाना तो बन गया था, तो यहाँ पे मैंने पापा का टिफिन भी अच्छे से पैक कर दिया, तो सब लोग खाना पीना खा के चले गए। पापा ऑफिस चले गए, भाई भी ऑफिस चले गए, तो मैं आपको दिखाने लाई हूँ मैंने मूली।
मूली बोई थी, तो मैंने मूली के ऊपर का पार्ट जो होता है वही बो दिया था। ये मनी प्लांट है। एक्चुअली रूम चेंज करते समय बाल्टी टूट गई थी और इसमें मनी प्लांट बोया था, तो मैंने इसमें मूली के ऊपर का पार्ट बो दिया। देखिए कितने बड़े बड़े से पत्ते निकल आए मूली के। मूली उगी कि नहीं, पर मूली के पत्ते बड़े बड़े निकल आए जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। और मम्मी ने गेहूँ को धो के अच्छे से फैला दिया था, तो यहाँ पे तो जैसे कि आप देख सकते हो, साथ में सूरज जो दादा थे वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सूरज निकल रहे थे, चले जा रहे थे, निकल रहे थे, चले जा रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। और ये देखिए मेरे मोहल्ले के 2 कुत्ते आराम से सो रहे हैं, क्योंकि ये दिन रात भर जो भौंकते रहते हैं। बहुत ही अच्छे हैं डॉग ये, सब लोग उनको खाना देते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर गेहूँ को मम्मी ने अच्छे से धो दिया था और सूरज दादा जो है निकलने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे। मैं वॉचमैन की तरह गेहूँ की रखवाली कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे गाय और बंदर का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। तो आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।